गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी 7 बज रहे हैं सुबह के और हम लोग जा रहे थे नाश्ता करने, क्योंकि जब भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या तो हम रात के सोए नहीं होते तो फिर हम सुबह में नाश्ता करने जाते हैं। तो आपने उधर नहीं जाना? तो वहाँ की चाय नहीं पसंद आई थी क्या आपको? नहीं, यहाँ की ट्राई करना चाह रहे हैं। टी गार्डन कैफेटेरिया हम लोग आए हैं, यहाँ से हम लोग समोसा ट्राई करने लगे हैं। चिकन समोसा, आलू समोसा, बहुत सारे समोसा थे। हमने चिकन समोसा ऑर्डर किया है और चाय ऑर्डर की है। ये इनका मेन्यू है, यहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल है। मसाला डोसा, डोसा सेट और पूरी भाजी और पता नहीं क्या क्या। तो ये है जी इनका मेन्यू। शेक भी है इनके पास, ओरियो शेक है, किटकैट शेक है और ये सारा इनका मेन्यू है जी। ये इनकी सिटिंग है यहाँ पर जी। हम आज फिर जा रहे हैं रावी रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोगों ने पहले वो पीछे क्या नाम था जहाँ से हमने गार्डन, टी गार्डन, वहाँ से हमने चाय और चिकन समोसा ट्राई किया था। टेस्ट बस 50-50 था। अब हम जा रहे हैं रावी रेस्टोरेंट, ये आ गया ऑलमोस्ट वेबसाइट पे, क्योंकि इनका नाश्ता बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश था, बहुत क्रिस्पी पराठा था। तो हम कीमा पराठा खाएंगे और हम क्या खाएंगे, हम चाय पिए जी। सोडा ट्राई करने लगे हैं और हम ऑर्डर कराएंगे। अच्छा ये है, मज़े क्या सोडा, स्टार सोडा आप पिए बेटा। ये उतना पी है ये जी। पराठा हम खा चुके हैं, चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म मज़ेदार। अच्छी लगी थी मुझे यहाँ की चाय, इसलिए मैंने दोबारा ऑर्डर कर ली यहाँ पे आके। आज और कुछ ऑर्डर करने का मज़ीद हो नहीं रहा, फुल फुल सीन्स हो गए हैं पराठा खाने के बाद ही। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा आलू का पराठा ट्राई करेंगे। यहाँ पे वैसे गोभी और मूली का भी है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना ना, पता नहीं कैसा टेस्ट निकल ले। ये है जी आलू का पराठा, आ चुका है, स्पाइसी करवाया है हमने, हमने हमसे रहा नहीं गया, हमने इसलिए ऑर्डर कर लिया। अब आप ट्राई करेंगे, ट्राई करें, ट्राई करें। कैसा है? अच्छा है, ओके, क्रिस्पी तो लग रहा है। ये जी हमने ऑमलेट ऑर्डर करा लिया है आलू के पराठे के साथ, ऑमलेट का भी कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। करें ट्राई जी, करें ट्राई। मैं तो ऐसे बंद कर दूँ वीडियो, मैंने ट्राई करना सुना आपकी वीडियो में, लोग कमेंट आएंगे। नहीं आप खाएं। तो जी यहाँ पे हमने पराठा ऑमलेट फिनिश कर लिया, बहुत बहुत टेस्टी था। और एक और चाय ऑर्डर कराई है और इन्होंने साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट्री हलवा दिया है और हलवे का टेस्ट भी बहुत मज़े का है। और हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं, वहाँ से वो ऑर्डर लेके आ जाता है, यानी कि इतनी फास्ट डिलीवरी सर्विस है कि अभी आपका ऑर्डर आप पूरा बता रहे होगे कि ये ले आना और फ़ौरन आ जाता है, इतनी क्विक सर्विस है। मतलब चाय के मामले में ये नहीं कि पराठा वगैरह भी, क्योंकि पराठा या जो भी हम ऑर्डर करते हैं क्विकली रेडी करके वो देते हैं और बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त आता है, गर्मा गर्म। तीन मिनट में जहाज गए हैं। सही बात है, हर 3 मिनट बाद जो है ना, हर 1 मिनट बाद है। तीन मिनट में तीन, हाँ थर्ड प्लेन गया जी। हम जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट टुडे फाइनली। वो सामने मेट्रो है ये जा रही और हम जा रहे हैं लुलु हाइपर। ये जी जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं ये वो कार्स हैं जो पार्किंग में लगा रहे हैं। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, वो सामने जहां मेट्रो जा रही है ना वहां पे ही है लुलु हाइपर मार्केट। मौसम इधर ऐसा है कि कहीं धूप है और कहीं अगर छाँव में आ जाओ तो हवा भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही, लेकिन आज धूप भी ज़्यादा ही है कुछ, या शायद हमें फील हो रही है क्योंकि हमें फिर निकले हैं इस टाइम को। वो देखें जी, हर मिनट, हर 1 मिनट के बाद जो है ना प्लेन फ्लाई करता है यहाँ पर। ये अब मैं इस वक्त 5वां जहाज़ देख रही हूँ जो जा रहा है यहाँ पर। ये देखें जी डबल डेकर बस चलती है और वो देखें उसके पीछे भी एक डबल डेकर बस आ रही है। वापसी पे हम लोग डबल डेकर बस ट्राई करने वाले हैं। मैंने इनसे कहा कि हम ये बस ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं डबल डेकर बस में नहीं बैठी, सिर्फ मेट्रो में ही गई हूँ या टैक्सी में गई हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बस नहीं ट्राई की, या पैदल
ये ऑप्शन हैं सारे। तो अभी तो हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमने पराठे वाले नाश्ते किए हुए हैं। वापसी पे हम बस का करेंगे, डबल डेकर बस लेंगे क्योंकि यहाँ से जाएगी हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं जी। यहाँ पे स्कूटी पार्किंग की जगह है, ये पार्किंग लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लोग स्कूटी यूज़ करते हैं वो पार्क कर सकते हैं बस, पता नहीं पूछते वो। अच्छा जी, ये हम लुलु मार्केट आ गए हैं, अभी भी बस थोड़ी सी और वॉक है और ये साथ ही मेट्रो स्टेशन है। मैं तो इनको कह रही हूँ साथ ही दुबई मॉल भी चले जाते हैं, साथ ही फाउंडेशन जो फाउंटेन शो भी देखाते हैं साथ ही। मतलब देखे ना, अब हम निकले ही हुए हैं तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि हम सारी रात के जागे हुए हैं, इस बात से भी क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम 7 बजे हमने नाश्ता किया जाके और अब 8 या पता नहीं 9 बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं जी। दुबई मॉल पहुँचेंगे 10 बजे। हाँ वैसे 10 बजे पहुँचेंगे, फाउंटेन शो देखेंगे, फिर वापस घूम आएंगे मेट्रो में। हम डिसाइड करते हैं लुलु हाईवे मार्केट जाएंगे, फिर वहाँ से पता चलेगा कि हम लोगों के आगे जाने की हिम्मत है या नहीं। वो देखें जी, इतनी बातों में एक और जो है वो प्लेन फ्लाई किया है, अभी आपको नज़र आएगा कहाँ गया वो, तो उस तरफ से बस हम करीब आ गए ना तो दूर से नज़र आता है। वो देखें जी, एक तलाबाद का राइडर जा रहा है और एक नून का, हर जगह नज़र आते हैं राइडर्स। और ये एक नाइट राइडर जा रहा है जैसे पाकिस्तान में जो है ना फूड पांडा के राइडर्स होते हैं, हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, वैसे यहाँ तलाबात और नून राइडर। और ये जी लुलु हाईवे मार्केट आ गई फाइनली। ये जी हम लोग लुलु हाईवे मार्केट आ चुके हैं, अभी मैं चॉकलेट्स की साइड से स्टार्ट करते हैं। ये दी पोर्टेबल गैस चूल्हा है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। फ्रोजन आइटम्स में क्या है, क्या है ये बोला यार, इसका कुछ नाम है, चाइनीज़ खाते हैं कुछ नहीं याद नाम, पता नहीं क्या है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको नजर। तजमीर, ये कौन सा फिश है, नहीं ये प्रॉन्ज है, हाँ ये प्रॉन्ज है, ये देखिए उसका मुँह खुला है, ये प्रॉन्ज का मुँह खुला है। ओहो ये फिश है, बहुत तरह की फिशेज हैं यहाँ पे है ना। ओहो फंस कर ताकत ये देखें, मुख्तलिफ किस्म की फिशेज हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये लोग यहाँ से लेके जाते हैं फ्रोजन और पका के खाते हैं, आपको भी खिलाने आए। कौन सी ये देखें जी, ये कुछ भी लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे ये हार भी, ये इंडियन कल्चर, इंडिया का कल्चर, यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह सारी इंडिया का सामान। ये देखिए ये डिस्पोजेबल स्पून्स कितने प्यारे हैं यहाँ पे। ये देखिए जी सारे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इसकी पूरी ट्रे बनी हुई है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, है ना नहीं? इसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव है डेफिनेटली। और इस बार आया जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये इसकी पैकेजिंग इतनी नहीं, सॉरी ये वाले आए थे, सॉरी ये ब्लैक बेस के साथ, और इसकी जो पैकेजिंग थी इतनी हार्ड और अच्छी, यहाँ पर तरह तरह के एग्स हैं ये देख सकते हैं आप लोग। मेरा फेवरेट पार्ट आ गया, कीरी आ गई, स्पेशल वहाँ पे, यहाँ पे 12 की है, ये तो सिंगल है 12 की ना, यहाँ पे 38 की। मुख्तलिफ किस्म के पिकल्स हैं, टोर्च वगैरह। यहाँ पे जी आइसक्रीम की काफ़ी वैरायटी है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हेविंडास देख रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, तो ये देखिए तरह तरह की यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं, बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी वहाँ तक है एंड तक। और यहाँ पर बनाना का साइज चेक करें, बहुत ही फ्रेश और बड़े बड़े बनाना हैं। कितना सारा सामान है, ये सारी बेकरी फ्रेश आइटम है, पिज़्ज़ा तो है तो सही है, सारे पाकिस्तानी गाजर भी है, ये देखें नाइस। ये क्या है, ये ये
ये महल आपका फेवरेट सेक्शन आ गया। इतने छोटे साइज का प्याज, मूंगफली भी है। ये क्या? ये होते हैं गरम करके खाते हैं। तुर्की में बड़ा मशहूर है ये। क्या है? चेस्टनट। अच्छा, ये सही है। अनियन ब्राउन। क्या है? बहुत होना है। तरह तरह के अनियन देखे, वाइट अनियन। क्या है ये? सारे मसाले वगैरह, मसाले वगैरह। ये जी सारे मसाले। यहाँ पे काजू भी है। इसके क्या प्राइस है? 56। सॉल्टेड और तरह तरह के हैं ये तो। ये बादाम है मेरे ख्याल से, सेसमी ऊपर टॉपिंग सेसमी की हुई है। ये सारा सेक्शन है। अब जी हम लोग ऊपर जा रहे हैं देखने ऊपर का पोर्शन। ये जी हम ऊपर के पोर्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर आए हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, फिर उसके बाद फिलिप्स का, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं डिफरेंट, कैनवुड के वो हैं, एयर फ्रायर्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, तो फिलिप्स का ही ज़्यादा मुझे अभी तक नज़र आया है। कैनवुड भी है और भी ब्रांड्स हैं डिफरेंट, सैमसंग। ये है जी 85 इंच की LED। ये जी कैनन का EOS R50 है, 3569 का कैनन। ये जी कैलकुलेटर्स लगे हुए हैं सारे, देखिए जी काफ़ी सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। फिलिप्स की LEDs हैं, फिर TCL की हैं, फिर हाईसेंस की हैं। ये मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान में हाईसेंस का कहते हैं अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ के लोग कह रहे थे आबिद मार्केट वाले, तो देखें अगर अगर अच्छा ना होता तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ था। ये देखें जी बैग्स की वैरायटी है यहाँ पर सारी। ये बैग्स लगे हुए हैं, ये हैं इस तरह के स्टाइल के बैग्स हैं। सामने साड़ी लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट किस्म की साड़ीज, ये स्टाइल के अच्छे हैं बैग के। ये देखिए बच्चों की शॉपिंग है यहाँ पे, 70% ऑफ पे, पूरे मॉल में 70% ऑफ लगा हुआ है, कपड़ों पे, चीज़ों पे, सब जगह पे डिस्काउंट्स ही डिस्काउंट्स हैं। यहाँ पे सारा कुछ ही बाय टू गेट वन फ्री है गाइस, मतलब सब कुछ बाय टू गेट वन फ्री, जिधर जाओ यही चीज़ है। हाँ जी, यहाँ पे सारे फ्लेवर्ड मिल्क पड़ी हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट, और ये जी ग्रीक योगर्ट हमने एक लिया है। कौन सा फ्लेवर में लिया है? मैंगो फ्लेवर में लिया जी। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं मैंगो लूँ या कि चॉकलेट, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैंगो और लीची तो ट्राई कर लिया था, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो चलें फिर चॉकलेट वाला ही ट्राई कर लेते हैं। वो वाला तो मैंने किया नहीं। ओ वाह, ये मैं बचपन में खाती थी, ये बड़े मज़े की है। ये बर्फ़ वाली आइसक्रीम की तरह की आइसक्रीम है, योगो आइस, ये देखिए। और हम लोग ये कार्डिमम मिल्क भी ले रहे हैं, यहाँ पे सैफ्रॉन मिल्क भी है, बहुत सारी वैरायटी है। ये स्टारबक्स की कॉफ़ीज भी हैं सारी, ये देखें जी। ये देखें जी एग वाइट, ये सेपरेट भी मिल जाती हैं, ये मेरे काम की चीज़ है। तो जब हम बिल कराने जा रहे हैं, यहाँ पे बिल काउंटर है, ये सारी डिफरेंट टाइप की खजूरें हैं। बस ये बस सब फिल कराने जा रहे हैं, थक गई मैं तो। चल चल के चलते रहो, स्टोर ख़त्म नहीं होगा, आप थक जाओगे। ये जो मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिल कराने आए हैं, ये सिस्टम है यहाँ पे, आप अपनी प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिल करा सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पे स्कैन करें प्रोडक्ट को और फिर जो है ना अपना आप बिल निकलवा दें, पूरा गाइड कर रही है। ये देखें स्क्रीन पे टोटल बता रही है दोनों का। प्लीज सिलेक्ट योर पेमेंट मेथड, प्लीज पुट द कार्ड इनटू द कार्ड रीडर, सारा इंस्ट्रक्शंस दे रही है ये साफ साफ।
आप स्कैन करें, कार्ड स्वाइप करें, ये सारा गाइड कर रही है। ये जी हमारा बिल भी निकल आया। थैंक यू फॉर शॉपिंग हियर। थैंक यू भी कर रही है जी शॉपिंग करने पे। नाइस, थैंक यू। बाय करते हैं जी, अब चलते हैं घर को। उस तरफ से वीडियो बनाते हैं था ना। ये देखिए जी कैसी मजेदार चीज़ है। हाँ ये देखिए जी, ये उसमें सीन ये था कि बिल जो है ना उसको हमने स्कैन किया साइट पे, तो फिर हम वहाँ से एग्जिट कर पाए, अदरवाइज हम एग्जिट ही नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर दुबई में। ये देखें जी, डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं। ये जी, इस दफ़ा हमने तालाबाद से ग्रॉसरी ऑर्डर की थी। इनका भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वाइट फ्राइडे सेल की वजह से चल रहा है, ग्रॉसरी पर भी और फूड आइटम्स पर भी, और मतलब फूड डिलीवरी पर ना, और मेकअप वगैरह पर भी, मल्टीपल यानी के। तो आज हम तालाबाद को ट्राई किया है हमने। ये देखें जी, मैंने 500 ग्राम बनानास मंगवाए थे और लिटरली इन्होंने 3 बनानास में पूरे कर दिए हैं। 500 ग्राम्स पानी की बोतलें थी, एग्स थे, और भी क्रोसेंट वगैरह हैं इसमें। इसको खोले ना। ये जी बनानास, कुकम्बर्स, कॉफ़ी को वाली टॉफ़ी, टमाटो, यार मतलब यहाँ की पैकिंग देख के ना दिल खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। चॉकलेट क्रोसेंट्स, ये वाला मुझे देना ये चीज़। ये ट्राई करूँगी, ये नहीं था अभी तक मैंने किया। सरफ, कपड़े धोने से धोने वाले हो गए हैं, और मेरे ख्याल से बस ऐसे ये गिलास की ग्रोस टोटल पानी था, अभी सब फ्रिज में रख देंगे। कपड़े धोएंगे आज और वो ग्रोसेंट्स मीठे में खा लेंगे, ये शाम के स्नैक टाइम में खाएंगे। बस ये थी हमारी आज की ग्रॉसरी। ओ ये एक आया, ये मैंने 2 किए थे। अच्छा ये 200 वाला था, ठीक है, 200 ग्राम्स का, सही है। ये जी यहाँ पर मैं एग ऑमलेट बना रही थी, और इसके बाद फिर तालाबाद से एक और ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, वो आई है। वो मुझे समेटनी थी सारी मतलब, और उसमें भी मतलब एग्स ऑर्डर किए थे, और इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से पैक हुए होते हैं कि बस ज़बरदस्त। और इसके बाद बाकी की ये जी चिकन मैंने मंगवाया था, इसकी पैकेजिंग चेक करें कि इतनी अच्छी पैकेजिंग है। इसमें वो आइस क्यूब्स भी उन्होंने दिए हुए थे ताकि जो है ना ये फ्रीज रहे चिकन। और ये देखें जी, ये इतने अच्छे से सील हुआ है, और इसके बाद इसके अंदर जो है वो चिकन दिया है ताकि फ्रोज़न आइटम जो है वो इस तरह से ये लोग पैक करके देते हैं तालाबाद वाले। और ये टमाटोज़ की पैकेजिंग आप देख सकते हैं। केचप लेके आनी है, मैं जाता हूँ। केचप और सेमरा, मैं जाता हूँ। स्प्राइट। ये जी हमने किया है नून से ऑर्डर पिज़्ज़ा। ओपन करिए इसको, मेरी अनबॉक्सिंग ना काट दो। पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये जी तिक्का फ्लेवर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, देखते हैं जी कैसा है टेस्ट में। वैसे तो अच्छा ही लग रहा है जो इसके लिए, लेकिन मुझे केचप चाहिए और मुझे स्प्राइट चाहिए। ये देखें जी, ये बैक से इस तरह के डॉट्स बने हुए हैं पिज़्ज़ा पे। गरीब लोग, ज़बरदस्त, हम नई चीज़ देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। मज़ेदार लग रहा है। अच्छा टेस्ट, द पिज़्ज़ा टेस्ट इज़ टू गुड, आई रियली लाइक इट। साथ में स्प्राइट और टाइप 7 अप।